अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और बदलते मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। जब बात आती है ना मौसम की तब्दीली की, तो सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि जब गर्मी से, इतनी शदीद गर्मी से, चिप चिप गर्मी पसीने से जब आप मौसम अच्छे की तरफ आते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो भाई मुझे ये होती है कि आप अपनी स्किन के ऊपर ना कुछ लगा सकते हैं। ये जो गंदा मौसम होता है ना, ये पसीने वाला, ये सावन का स्पेशली, और आई थिंक के अगस्त, ओ माय गॉड, ये तो मैं कहती हूँ स्किन को तबाह ही करके चला जाता है। और मैं तो जब अपने आप को शीशे में देखती थी, मैं कहती थी हाय अल्लाह मुझे क्या हो गया है। यानी कि इस तरह से आपकी स्किन हो जाती है, अजीब से स्पॉट्स होते हैं, अजीब सा झुलसा हुआ रंग, कि ज़ाहिर आप सन ब्लॉक भी नहीं लगा सकते। सन ब्लॉक लगाएंगे दो मिनट के बाद पसीने से वो भी बह जाएगा। बहरहाल मैं तो बड़ी खुश होती हूँ जिस वक्त मौसम चेंज होता है। खैर, मैं तो बड़ी खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल देखिएगा। ये 20 साल की बच्चियाँ भी देख सकती हैं, 30 साल की लेडीज़ भी देख सकती हैं, और 40 साल की आंटियाँ भी देख सकती हैं, ठीक है। तो डोंट माइंड प्लीज़, हमेशा इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि जब हम 40 क्रॉस हो जाएंगे तो हम आंटीज़ ही होंगे। इवन कि मैं खुद भी आंटी ही हूँ, 30 प्लस हूँ, तो ओबियसली आई एम एन आंटी। और मुझे वैसे बच्चे कहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ना आंटी एक वर्ड बहुत ही सोबर और बहुत ही रिस्पेक्टफुल एक वर्ड है। खैर, अगर किसी आंटी को थोड़ा सा बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी। खैर बहरहाल चलिए वीडियो की तरफ आते हैं। मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी एक महीना पहले आई वेंट टू डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर रुबीना कुरैशी, बहुत बड़ा नाम है, कौन है जो नहीं जानता उनको। खैर, उनके पास मैं गई और मुझे थोड़ा सा एक्ने इशू था, और साथ मुझे ये भी उनको मैंने बताया कि मुझे ये क्रो फीट्स और फाइन लाइंस और ये थोड़ा सा ना इशू है रिंकल्स वगैरह का। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि जब आप 25 क्रॉस करती हैं ना, जो लेडीज़ या जेंट्स जो भी है, तो उनकी स्किन के अंदर एक कॉलेजन होता है, एक इलास्टिसिटी होती है, जो कि उसकी प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ना स्किन की जो टाइटनेस होती है ना वो कम हो जाती है। अब देखें ना, मेरी ये डबल चिन है, अब इसकी तो खैर, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। दिल तो करता है इसका भी कुछ ना कुछ करूं, लेकिन खैर ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जिन चीज़ों का हो सकता है वो ये है कि मैं अपनी फाइन लाइंस को कंट्रोल कर सकती हूँ, रिंकल्स को और क्रो फीट्स को, ठीक है। सबसे ज़्यादा टारगेटेड एरियाज़ ये होते हैं हमारे, ठीक है। उन्होंने फिर यही बताया कि जब स्लो हो जाती है प्रोडक्शन, तो फिर हमारी स्किन के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं रिंकल्स। तो जब रिंकल्स आते हैं तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों में ये प्रोडक्शन बहुत जल्दी होना शुरू हो जाती है, और कुछ की स्किन इतनी अच्छी होती है कि वो कुछ ना लगा कर भी ना 50 साल की उम्र में भी उनकी स्किन बहुत अच्छी होती है। खैर, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और ज़्यादा बोर नहीं करूँगी आप लोगों को। मैं जस्ट आप लोगों को बताऊँगी कि जो क्रीम उन्होंने मुझे दी थी और जो मैंने लगाई, और ये भी बताऊँगी कि किस तरह से लगाई मैंने और कहाँ से मिलेगी। ये भी आपको मिलेगी शाहीन से भी, डी वॉटसन से भी, किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी आपको। 1250 इसकी प्राइस है और बहुत ही बेस्ट है भाई, आप ये लगाएं और एक महीने के अंदर अंदर आपको अगर फ़र्क महसूस ना हुआ तो भाई मेरे चैनल पे आके ना मुझे कोसिएगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, ज़रूर लीजिएगा। चलिए जी, मैं आपको क्रीम दिखाती हूँ जी। तो ये है जी डी मॉल एंटी एजिंग क्रीम, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी ट्यूब है और बहुत ही भाई काम की चीज़ है। ये हम लेडीज़ के पास होनी चाहिए, और इसके जो तरीकाकार है वो ऑलरेडी पीछे मेंशन है इसके, ठीक है। ये क्रीम है और यही क्रीम आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये क्रीम आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने ट्यूब देख ली, और इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने रोज़ाना रात को मुंह धोकर अच्छे से फेस वॉश से या साबुन से, अब जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, अच्छे से मुंह धो लीजिए, और इसको आपने, इसकी एक लेयर जस्ट आपने अपने पूरे फेस पे एक लेयर लगा लेनी है। और ये हल्की सी ना येलोइश कलर की है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये येलोइश कलर की है, और इसको आप जब फेस पे लगाएंगे ना, तो प्लीज़ डरिएगा मत अपने फेस से, और ना ही अपने जो शादीशुदा लेडीज़ हैं वो अपने हस्बैंड को भी पहले ही बता दें कि वो प्लीज़ रात को सोते हुए डर ना जाएं।
फेस पे ये लगी होगी और आपने उसी तरह ही उसी कोटिंग के साथ ही आपने सो जाना है, ठीक है। सुबह उठ के आपने अच्छा सा मुंह धो लेना है, अच्छे से इसको उतार देना है और साथ ही आपने सन ब्लॉक अप्लाई करना है लास्ट में, क्योंकि जब आप कोई फेस पे कोई चीज़ लगा रहे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो मैंने हमेशा अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि सन ब्लॉक का यूज़ लाजमी रखें, ठीक है। सन ब्लॉक लगाएं और पूरा दिन गुजारें, इसी तरह फिर रात होगी, रात को फिर लगाइएगा, कम अज़ कम ये एक ट्यूब जो है वो मंथ एक पूरा चल जाती है, ठीक है। और ज़रूर ये यूज़ कीजिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। और जब आप ये यूज़ कर लें तो तब भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए जी, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।